टीम इंडिया की एशिया कप की प्लेइंग 11 आखिर कैसी होगी? क्या संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा? क्या ईशान किशन खेलेंगे या फिर सूर्य कुमार का बल्ला करेगा वार? टीम इंडिया के फैंस बहुत कंफ्यूज हैं और उससे भी कहीं ज्यादा कंफ्यूज हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा। इसीलिए आकाश चोपड़ा ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको बस इतना पता है कि रोहित शर्मा कप्तान है, बाकी कौन कब कहां और कैसे खेलेगा इसका कुछ पता नहीं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशिया कप 2023 शुरू होने के एक दिन पहले यानी 29 अगस्त को टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद ये साफ हो गया कि आगामी 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले और 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ होने वाले दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए केएल राहुल नजर नहीं आएंगे। केएल राहुल के दोनों शुरुआती मुकाबले के दौरान अनुपलब्ध होने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को प्लेइंग 11 में रखा जाएगा। इस मामले को लेकर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम मैनेजमेंट से कई तीखे सवाल पूछ डाले हैं। आकाश चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक ट्वीट करते हुए लिखा, केएल राहुल पहले 2 गेम के लिए अनुपलब्ध है, इसलिए चर्चा के कई बिंदु खुलते हैं। क्या ईशान किशन के लिए रास्ता खुलता है? यदि हाँ तो शुभमन गिल कहाँ बल्लेबाजी करेंगे या रोहित, गिल, ईशान 1, 2, 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और फिर कोहली 4 पर बल्लेबाजी करते हैं या रोहित, गिल ओपनिंग करेंगे, कोहली 3 पर और ईशान 5 पर, या गिल को बेंच पर बैठाया जाएगा और तिलक या फिर सूर्य कुमार यादव 5 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। आकाश चोपड़ा के इस ट्वीट पर कमेंट बॉक्स में एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ओ भाई तू कंफ्यूज्ड है, मान गया, लेकिन तू हमको कंफ्यूज क्यों कर रहा है, ऐसा ट्वीट डालकर। इसके बाद इस ट्विटर यूजर का जवाब देते हुए आकाश चोपड़ा ने लिखा, हा हा लेकिन कप्तान रोहित होंगे इतना हम जानते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आकाश चोपड़ा कहना चाहते थे कि हम बस इतना जानते हैं कि रोहित शर्मा कप्तान है, बाकी किसी का कुछ भी नहीं पता। वैसे आपको बताते चले, बीसीसीआई द्वारा एशिया कप 2023 के लिए चुनी गई 17 सदस्यीय स्क्वाड में 2 विकेटकीपर शामिल हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज हैं, जिसमें केएल राहुल शुरुआती 2 मुकाबले मिस कर रहे हैं, इसलिए ईशान किशन का जगह बनाना लगभग तय है। हालांकि वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे या फिर नंबर 5 पर खेलेंगे ये बता पाना बेहद मुश्किल है। वैसे क्या आपके पास है इस कंफ्यूजन का सलूशन? तो अपना क्रिकेट का ज्ञान हमें कमेंट में जरूर दिखाएं। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं उन शेरों पर जिन्हें दी गई है जिम्मेदारी एशिया कप 2023 के ताज पर राज करने की। इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। वहीं बैकअप खिलाड़ी के रूप में संजू सैमसन है जो कि केएल राहुल की अनुपस्थिति में टीम का हिस्सा होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।